लाल खां का रोजा यानी काशी के वीर का महासम्मान, यह मुगल वास्तुशिल्प से बना है। वाराणसी, बनारस या काशी, आप चाहे जिसे जिस नाम से भी पुकारें, पर इसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राचीन धरोहरें लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में ऐसी जगह बना लेती है कि कोई भी उसे भुला नहीं सकता। भगवान शिव की प्रिय काशी हमेशा से रही है और रहेगी। लाल खां के मकबरे में प्रवेश शुल्क 25 रुपये है। लाल खां मजार के परिसर में स्थित पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त इस स्थल की पहचान प्राचीन काशी महाजनपद की राजधानी के रूप में किया गया है। सन 1940 ईस्वी में गंगा के बाएं तट पर काशी रेलवे स्टेशन के निर्माण के दौरान मिट्टी की कटाई के क्रम में बड़ी संख्या में पूरा अवशेष प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम इस स्थल का परीक्षण पुरातात्विक उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के श्री कृष्ण देव द्वारा किए जाने के उपरांत इस स्थल का पुरातात्विक महत्व सिद्ध हुआ। उत्खनन से प्राप्त संरचनाएं मुख्यतः आवासीय हैं। इस उत्खनन से गुप्तकालीन ब्राह्मी में उत्कीर्ण लेख वाली मुहर प्राप्त हुई है, जिसका अर्थ है वाराणसी नगर प्रशासन की मुद्रा। इसके बाद इस स्थल का विस्तृत उत्खनन सन 1960 ईस्वी से 1969 ईस्वी के मध्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर ए के नारायण और डॉक्टर टी एन राय के निर्देशन में किया गया था। यह स्थल 8वीं सदी ईस्वी पूर्व का है। वाराणसी के राजघाट क्षेत्र में गंगा के तट पर स्थित लाल खां का रोजा यानी कि मकबरा एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसका निर्माण सन 1773 में हुआ था। एक विशालकाय परिसर में यह खूबसूरत बाग और बगीचों के साथ मकबरा बना हुआ है और लाल खां एक योद्धा का मजार है। इसी मकबरे में उनके परिवार के अन्य सदस्यों की मजार भी मौजूद है। लाल खां काशी नरेश के वीर सेनापति थे। अपनी वीरता से उन्होंने काशी के विस्तार और विकास में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में काशी नरेश के कहने पर कहा कि कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए कि मृत्यु के पश्चात भी लोग उनका दीदार कर सकें। उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए काशी नरेश ने उनकी मृत्यु के बाद राजघाट में दफन कर वहां एक भव्य मकबरा बनवाया। लाल खां और उनके मकबरे की शोहरत के चलते बनारस का एक मोहल्ले का नाम भी चौहट्टा लाल खां है। करीब 5 किलोमीटर इलाके में बसा है ये मोहल्ला चौहट्टा लाल खां। लाल खां का मकबरा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका जीर्णोद्धार भारतीय पुरातत्व ने शुरू कर दिया है। इसका टेंडर होते ही यहां काम शुरू कर दिया जाएगा। लाल खां एक वीर सेनापति के साथ ही एक न्यायप्रिय सेनापति भी थे। उन्होंने उस दौर में
नगर में अलग अलग स्थानों पर सार्वजनिक खूंटे गड़वाए थे, जिसमें वे चोरों और बदमाशों को बंधवा दिया करते थे और कुछ दिनों तक वहीं बांधे रखते थे। ऐसा करने से सारा शहर उन्हें देखता और बदमाशों का उपहास करता था। इस सजा की वजह से बदमाश अपनी पहचान जाहिर न हो सके यह सोचकर या तो अपराध छोड़ देते थे या फिर नगर छोड़कर कहीं दूर चले जाते थे। इन खूंटों के कारण नगर में अमन चैन बना रहता था। ऐतिहासिक दस्तावेजों में यह लिखा गया है कि लाल खां के जीवन काल के दौरान काशी राज का नियंत्रण महाराजा बलवंत सिंह के हाथ में था, जिन्होंने सन 1739 से 1770 ईस्वी तक शासन किया। लाल खां के मकबरे में प्रवेश करने का शुल्क 25 रुपए है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। हर हर महादेव।